रक्षा यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा प्रेम ने कल तू मेरे घर की सुरक्षा रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब तो रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब तो यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा Cheers!
Oh,
നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. यदि आप आपके वीडियोस ऑन रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा. കർത്താവ് ദാസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റർ ജിം അവറുകളുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ജിം ഡൽഹി കർത്താവ് ദാസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. आज के हमारे वक्ता का परिचय देने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से प्रभु के दास जिम जॉय जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप आज के वक्ता का परिचय हमारे बीच में करें. थैंक यू सो मच पास्टर फिनी फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड फॉर दिस वंडरफुल मीटिंग दैट यू हैव. और इस सुंदर समय के लिए और इस सभा के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. I'm so grateful to Pastor Stanley Abraham also for leading us into that worship and for the connecting Pastor James with Pastor Finney. और पास्टर स्टैनली अब्राहम जो आराधना में हमारी अगुवाई करे तो उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. और विशेष करके पास्टर स्टैनली को धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जेम्स के साथ में पास्टर फिनी को जोड़ने के लिए. Also, I'm thankful to Dr. James Obeying for accepting this invitation to be here this evening. और विशेष रीति से प्रभु के दास डॉक्टर जेम्स ओबेंग जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज की सभा में जुड़े उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. पास्टर जेम्स ओबेंग इज अ सीनियर पास्टर ऑफ द इवेंजल चर्च इंटरनेशनल इन गाना. और घाना में इवेंजल चर्च इंटरनेशनल के वरिष्ठ पासवान हैं आप. एंड ही इज आल्सो द लीडर फॉर इंटरसेसर्स फॉर अफ्रीका. और अफ्रीका में एक मध्यस्था की जो अगुवाई करते हैं वे. Intercessors for Africa is spread through all most of the countries in the continent of Africa. और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई क्षेत्रों में जो ये मध्यस्थता की जो सेवकाई है वो फैली हुई है. God uses him in the realm of prayer, praying for the nation, and he has a great burden for the nation of India. और विशेष रीति से प्रार्थना के क्षेत्र में प्रभु सामर्थ्य के साथ में अपने दास को इस्तेमाल में ले रहा है और भारत के लिए उनके पास में गहरा बोझ है. He is a voice, prophetic voice for Africa, for Ghana, and for several nations. और अफ्रीका के लिए, घाना के लिए, कई राज्यों के लिए वे परमेश्वर की आवाज है, एक नबूती आवाज प्रभु ने हमें दी हुई है. Other than being a pastor, he is also an advisor and a mentor to national leaders and also church leaders in Ghana and several other places. और वो एक पास्टर है, लेकिन उसी के साथ में एक सलाहकार है, कई राष्ट्रीय अगुओं के लिए और अन्य कई सेवकों के लिए उन क्षेत्रों में. This evening we are very much delighted Dr. James Obeying for accepting our invitation and you are here. aur aaj raat hamare aamantran ko swikar karke aap hamare beech mein aaye hum ati utsahit hain. We pray and we believe that God is going to mightily use us in our midst. aur hum vishwas karte hain, prarthna karte hain ki prabhu samarth ke sath mein aaj aapko hamare beech mein istemal mein lega. Over to you Dr. James. आइए प्रभु के दास डॉक्टर जेम्स का तालियां बजाकर हम स्वागत करें. Yeah, I'm thankful and grateful for invitation to be part of this great meeting. और इस प्रकार के आमंत्रण के लिए कि इस सभा का भाग में बन पाया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. My mentor is Barrister Emeka Wangpa. और वह जो मेरा आत्मिक अगुवा है उसका नाम बेरेखा है. Yes, he is the Continental Chairman of Intercessors for Africa. और वह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं उनका अगुवा है. Of which I'm an active member. और मैं उसका एक सक्रिय भाग हूँ. But I am the National Coordinator for Intercessors for Ghana. और घाना के National जो Intercessors है उनका मैं Coordinator हूँ. Before I bring the word, वचन में जाने से पहले, I want on behalf of the nation of Ghana, और घाना राष्ट्र की ओर से, and the intercessors for Ghana, और घाना के जो मध्यस्थ थे उनकी ओर से, first of all to bring our greetings to the brethren in India, और भारत में आप सभी को हमारा अभिवादन हम कहते हैं, to thank India. For the blessing that India has been for Ghana. और भारत के लिए जो घाना के लिए आशीष का कारण बना. India has come to the aid of Ghana at the most crucial times in the life of the history of Ghana. और घाना के विपरीत परिस्थितियों में भारत घाना की मदद के लिए एक मददगार बनकर खड़ा रहा है.
And Ghana will never forget it. और घाना उस बात को भूल नहीं पाएगा. That is why we feel the pain of India. और इसलिए आज भारत की उस पीड़ा को हम समझ पा रहे हैं. And we identify with the pain of India. और भारत के लोगों के निवासियों के उस दर्द के साथ में हम उस दर्द में शरीक हो पा रहे हैं. And many intercessors from India in Africa are praying for India. और बहुत सारे मध्यस्थ लोग हैं जो भारत के लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं. So once again, thank you for the invitation. और एक और बार आप सभी को धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए. The Lord has put a message in my heart. परमेश्वर ने एक संदेश आज की सभा के लिए मुझे दिया है. For the intercessors in India. भारत के मध्यस्थों के लिए. Let's begin by opening our Bible to Isaiah 28 verse 6. यशया 28वां अध्याय और उसका छठा पद हम देखेंगे. Isaiah 28 verse 6. और यशया 28 और उसका छठा पद. Let's hear the word of the Lord. और प्रभु का वचन हम सुनेंगे. The Lord will give to those who turn back the barrel at the gate. और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा. We want to read our text again. और उस पद को मैं वापस पढ़ना चाहूंगा. The prophet Isaiah wrote in his book, chapter 26, that the Lord will give strength to those who turn the barrel. और यशया 28 छठे पद के अंदर यशया नबी के द्वारा प्रभु का आत्मा कहता है परमेश्वर उसको बल प्रदान करेगा जो नगर के फाटक से शत्रुओं को हटा देगा. Father, we thank you for your word that you have for us this evening. And Lord, let the anointings flow in this meeting in a measure, in a way that never been before. We give you the glory. We give you the praise, even in Jesus. परमेश्वर पिता हम लोग मिलकर प्रार्थना करते पिता एक अभिषेक आज इस सभा में इस वचन के प्रचार के द्वारा प्रवाहित होने पाए ऐसे हम आपसे मांगते हैं यीशु के नाम में मांगते. I'm speaking on a topic, turn the barrel in the gates of the nation of India. और आज के मेरे संदेश का शीर्षक यह है कि जो शत्रु है उसको फाटक से आप हटा दीजिए और भारत में यह होने पाए. There's a good news for the intercessors in India. भारत के मध्यस्थों के लिए एक सुसमाचार है. The good news is that the God who created the heavens and the earth will give strength to those who turn the battle in the gate. और वह शुभ समाचार यह है वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वह परमेश्वर उन लोगों को जो युद्ध को फाटक में रोक देते हैं उन्हें वह बल प्रदान करेगा. बिफोर वी गो एनी फर्दर लेट अस गेट टू नो व्हाट गेट्स आर. और आगे बढ़ने से पहले वो फाटक कौन से है हम जरा उन बातों को समझे. सिंपली गेट्स entrances and exits. और द्वार एक नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए और वहां से बाहर निकलने का द्वार होता है. But apart from gates being entrances and exits ways have other connotations and meanings. और जहां पर फाटक है वहां पर अंदर प्रवेश करना वहां से बाहर निकलना उन सब का गहरा अर्थ होता है. Gates also represents or they are symbolic of evil powers that war against the souls of people and against the church and Christian institutions. और द्वार उसी समय अंधकार की उन ताकतों का प्रतीक भी है जो प्रभु के कार्यों को प्रभु के राज्य के विस्तार को रोकते हैं और उसके विरोध में उठ खड़ा होता है. Now, as we talk about the gates, और जब हम यहां पर फाटक के बारे में सीख रहे हैं we need to look at a phenomenon that has gates attached. और हमें उस तस्वीर को हमारे सामने रखना है जहां पर फाटक जुड़ा हुआ है.
this is the seven mountains of society enunciated by the founder of Campus Crusade and Lauren Cunningham, founder of Youth with a Mission. और विशेष करके हमें जो एक सात पहाड़ जिसे कैंपस क्रूसेड के द्वारा बताया गया था कि सात पहाड़ या सात मुख्य विषय जहां पर शैतान हमला करता है उसके बारे में हम सीखेंगे. Let us understand that these seven mountains of influence in society are gateways into nations. और हमें यह समझना है कि सात ये प्रभाव के जो पहाड़ है वो समाज के लिए एक प्रवेश द्वार के समान है. Now I invite you to look at something very important. और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ही ध्यान से इन बातों को सुने. To turn the battle in the gates of India, we need to take note of the satanic activities on these mountains. और भारत के फाटकों से शत्रु सेना को हटाना है तो इन प्रभाव के पहाड़ों के ऊपर होने वाले अंधकार की ताकतों के कार्यों को हमें समझना जरूरी है. These activities have impact on the nation of India, not only India, but all the nations of the world. और यह जो प्रभाव के क्षेत्र है वहां पर अंधकार की ताकतें कार्य करती है न केवल भारत में लेकिन विश्व के हर एक राज्यों को बातें प्रभावित करती है. And I want us to look at just three definitions of mountains because we're talking about the seven mountains of influence in society. और हम समाज के उन सात प्रभावशाली पहाड़ों के बारे में जब सीख रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस पहाड़ को हम जरा परिभाषित करें. A mountain could be a formidable coalition of ancient, high-ranking demonic principalities and powers. और जो पहाड़ है वो प्राचीन ऐसी बहुत सारी बातें जिनका आपसी तालमेल हो गया है और एक पहाड़ के समान एक अवरोध के समान जो उठ खड़ा हुआ है. And these powers exercise territorial dominion over physical, human and societal geographical areas. और ये जो अंधकार की ताकत एक सामूहिक गठबंधन के तौर पर कार्य करती है और उस क्षेत्र की भौगोलिक राजनीतिक चीजों को अपने अधीनता में रखती है. So this is our first definition of a mountain. और यह उस पहाड़ की पहली परिभाषा है. Now let's look at the second definition. और अब हम उस पहाड़ की दूसरी परिभाषा को देखें. Mountains also represent natures in man, which are often highly resistant to change, even in the case of some Christians. और यह हमारे अंदर के ऐसे स्वभाव है जो बलवापूर्ण आदतों के कारण होते हैं और वो बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और कई बार मसीहियों के अंदर भी ऐसी आदतें होती है जहां पर हम बदलने के लिए तैयार नहीं है. Now let's look at the third definition. और अब हम तीसरी परिभाषा को देखें. And then we'll move on with the message. और उसके बाद में संदेश के मुख्य भाग में हम आगे बढ़ेंगे. Mountains could also refer to long-standing difficulties, problems, challenges that are in individuals, in a family, in a community, or in a nation. और पहाड़ ऐसे लंबे समय तक बनी रहने वाली चुनौतियां समस्याएं जो परिवार में हो सकती है व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है राष्ट्र में हो सकती है उनको भी प्रदर्शित करता है. And many times, these challenges are beyond the solution of man. और अक्सर ये जो सारी चुनौतियां कई बार हमारी समझ से परे होती है और हम उसका समाधान नहीं कर पाते. So, having established this foundation, और कैसे यह जो बातें बनती है. Let us briefly look at the seven mountains of society because we have established that these mountains are gateways into society. And और we are समाज dealing... को प्रभावित करने वाले उन सात पहाड़ों के बारे में जरा हम देखेंगे ताकि हम ये समझ पाएंगे कि कैसे ये जो पहाड़ों के द्वारा जो प्रभाव के पहाड़ों के द्वारा शत्रु अपने कार्यों को करता है. And let's keep in mind we are dealing with a topic in the battle in the gates of the nation of India. और विशेष हमारे संदेश के शीर्षक को आप ध्यान रखिए कि शत्रु को फाटकों में ही हटा देना भारत पे. So we look at the mountain of government. और सबसे पहले सरकार के वो जो उस पहाड़ को हम देखेंगे. Let's keep in mind that this mountain is a gateway.
और यह भी अपने आप में एक द्वार है. Now, this sphere of influence, और प्रभाव का यह जो क्षेत्र, either restrains evil or enable evil to prosper. और उसके द्वारा अंधकार की ताकत या बुराइयां है वो अपने प्रभाव को फैलाती है. Now, the primary influence on this mountain are pride, ambition, and spirit of control. और मुख्य रीति से यहाँ पर घमंड, महत्वाकांक्षा और लोगों को अपने अधीनता में करने वाली दुष्टात्माएं कार्य करती है. If I Satan rules on this mountain, और शैतान यहाँ पर अपने कार्य को करता है. Because Satan and his agents are able to take control of the sovereign power of the nation, they can do whatever they want to do in the nation. और उसके द्वारा शत्रु या अंधकार की ताकतें एक राष्ट्र के ऊपर अपने प्रभाव को, अपने आधिपत्य को स्थापित करती है और सारी बातों को अपने नियंत्रण में ले आती है. So it is important that intercessors should recognize the enormity, the power, and the strength of this gate and bring continuous repentance into this gate. और ये बहुत जरूरी है कि जो मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं उन्हें इस प्रभाव क्षेत्र के बारे में जानकारी हो और वे लगातार मध्यस्थता कर रहे ताकि अंधकार की ताकतों की पकड़ से उस क्षेत्र को आजाद किया जा सके. In this gate, intercessors must bring repentance, ask for forgiveness and mercy, for pride, for the spirit of manipulation and for corruption on this mountain. और इस प्रभाव क्षेत्र के इस पहाड़ पे जो प्रभाव है वो जो घमंड के कारण और जो है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, उन बातों के लिए मन फिराव के साथ में, पश्चाताप के साथ में प्रार्थना की जरूरत है. Why dealing with this gate? और इस फाटकों से के लिए हमें क्यों मध्यस्थता करना है? We must keep in mind the admonition of Paul in 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय उसका एक और दो में जैसे हम देखते हैं. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. पहला तिमोथियुस 2 1 और 2. Here Paul under the inspiration of the Holy Spirit. और यहां पर पौलुस आत्मा की प्रेरणा में कहता है, Send these words for we the intercessors for in the nations. और यह जो मध्यस्थों के लिए, राज्य के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है. He wrote, उसने इस प्रकार से लिखा, Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of tongues be made for all men. अतः मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए. For kings and all who are in authority, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त. So in praying for all men, the next group of people, vital people, we must pray for are those in government, in authority, in power. और हमें उनके लिए जो सरकार में, अधिकार क्षेत्र में है, ऊंचे पद में है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है. Paul gives the reason. हमें उनके लिए प्रार्थना करना है. उसका कारण क्या है? He said that we might all lead a quiet and a peaceable life in all godliness and in reverence. इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. And so in this season, intercessors who will be burdened for government and continuously pray for government. और हमें चाहिए कि इन दिनों में, इन क्षेत्रों में मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थों की जरूरत है ताकि हम विश्राम और चैन के साथ में जीवन को व्यतीत कर सके. Other nations, including India, will be at peace. ताकि राज्य शांति को महसूस कर सके. Let's look at the mountain of economy or the mountain we call the marketplace. और अर्थव्यवस्था का पहाड़ जहां पर व्यवसाय होता है उसको हम देखेंगे. This is a very interesting mountain. It just at the government. The what happens there affects every specter of society. और अर्थव्यवस्था का जो पहाड़ है वो समाज के हर स्तर को प्रभावित करता है. This mountain distributes resources either to honor God or to celebrate man.
और यह जो पहाड़ है यहां पर ऐसे संसाधनों को उसका आदान प्रदान उसका लेन देन विनिमय वगैरह होता है. द स्पिरिट ऑफ मामोन इज ऑन टॉप ऑफ दिस माउंटेन. और यहां पर जो है धन की दुष्टात्मा वह कार्य करती है. इट लीड्स पीपल टू थिंक दैट मनी इज द एंड ऑफ ऑल थिंग्स. और यहां पर जो विचार प्राथमिक रीति से चलता है कि धन के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है. So it's important that intercessors must recognize the spirit that works in the marketplace. और इसीलिए ये जरूरी है कि मध्यस्थ लोग इन बातों को समझे कि कौन सी आत्मा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करती है. And continuously bring repentance for greed, corruption, poverty and speculation from this mountain. और यहां पर विशेष रीति से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्य जो धोखाधड़ी और ये जो बातें होती है उसके विरोध में हमें प्रार्थना करना है. We must renounce the spirit of mammon. और विशेष करके जो धन की जो आत्मा है दुष्टात्मा है उसके खिलाफ हमें प्रार्थना करना है. It is interesting when you read scripture that this spirit is the only spirit that is put on the same level with God. और आप देखिए यहां पर धन और परमेश्वर इन दोनों को एक ही तराजू के मानो दो दो भागों में रखा गया है. And God recognized that and said that you cannot worship God, serve God and mammon. और इसीलिए हम वचन में पाते हैं कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. एक ही तराजू के दो पलड़ों में मानो दोनों को रखा हुआ है. Either you are serving God or you are serving Mammon on this mountain. या तो इस पहाड़ पर आप परमेश्वर की सेवा करोगे अन्यथा अर्थव्यवस्था के पहाड़ पर आप धन की सेवा करोगे. Let's go to the mountain of the family. तीसरा पहाड़ है परिवार का पहाड़. This gateway is a very important gateway. और यह फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण फाटक है. This sphere of influence, this gate empowers us with blessings or enslaves us with curses. और यह जो पहाड़ है या तो हमारे परिवारों में आशीष को दे सकता है नहीं तो श्रापों का द्वार बन सकता है. We must understand that it's God who created the family. कि परमेश्वर ने परिवार को बनाया. This God has interest in families. और परमेश्वर जो है परिवार में रुचि रखता है. And therefore, we must pray continuously. और इसलिए हमें परिवारों के स्थायित्व के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना है. That godly homes will be raised up in the nations. ताकि राज्यों के अंदर परमेश्वर से प्रेम करने वाले परिवार खड़े रह सके. And the hearts of the fathers will be turned to the children. और पिताओं का हृदय पुत्रों की ओर लगा रहने पाए. And the heart of children will be turned to their fathers. और बच्चों का हृदय अपने पिताओं की ओर होने पाए. For far too long, all over the world, we are seeing homes that have no fathers, so there are no role models for the youth, for the children that are coming up. But this must stop. And the people who can stop this are the people who cry for their children. और प्रियो मुझे और आपको समझना है कि सालों से इस परिवार के खिलाफ शत्रु अपने कार्यों को कर रहा है. इसलिए हम जो मध्यस्थता की सेवकाई करते हैं हमें पुकारना है प्रभु के सम्मुख आंसू बहा रहे हैं परिवारों में स्थायित्व के लिए पिताओं के लिए माताओं के लिए जो बच्चों को सही रीति से पालन पोषण कर सके. The next gateway mountain is the gateway of education. और चौथा जो पहाड़ है वह है शिक्षा का पहाड़. This gate of influence communicates the truth and principles of God or the deceptions of Satan. और यह जो क्षेत्र है इसमें या तो परमेश्वर के सिद्धांत और परमेश्वर के नियमों को प्राथमिकता दी जा सकती है अन्यथा शैतान के झूठ को और धोखे को सत्य बनाकर सिखाया जा सकता है. The principality that rules on this mountain is Beelzebub. और इस पहाड़ पर यिज़बेल की आत्मा कार्य करती है. He is also known as the Lord of Lies. और वह झूठ का पिता भी कहा जाता है. His modus operandi
is to speak lies. और उसका कार्य करने का तरीका है झूठ को सत्य साबित करवाकर. It contaminates the educational mountain with man philosophy, philosophies of man. और यह मनुष्य के मनोवैज्ञानिक से संबंधित बातों के द्वारा कार्य होता है. Led all over the world, ungodly curricula are being introduced in the schools. और विद्यालयों के अंदर ऐसे पाठ्यक्रम जो भक्ति रहित है उसे लागू किया गया है. And this curricula serves the new world order. और यह जो पाठ्यक्रम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर हमें ले जाते हैं. They want to align the world to the philosophy and the teachings of LGBTI+. और जो समलैंगिकता है इस प्रकार की जो बातें हैं उस और शिक्षा के की दिशा को मोड़ा जा रहा है. The prophet Joel gave us an antidote to what is happening. और योएल नबी ने उसके बारे में इस प्रकार से कहा. In Joel chapter 2 verse 4 verse 7 verse 11 is a hidden truth. और योएल दूसरा अध्याय चौथा अध्याय जो दूसरा अध्याय उसका 4, 7, and 11 में एक छिपा हुआ सत्य है. So let's hear the word of the Lord. और हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे. In verse 4 it says that their appearance is like the appearance of horses and like swift steeds so they run. और योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका चौथा पद उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं. They run like mighty men. वे शूरवीरों के समान दौड़ते. They climb to the walls like men of war. और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं. Everyone marches in formation and they do not push one another. वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा. The Lord gives voice before his army. यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है. Oh, and this, the next line is very wonderful. I love it. He says that for his camp is very great. और उसका आगे का पद महत्वपूर्ण है, लिखा है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है. For strong is the one who executes his word. जो अपना वचन पूरा करने वाला है वो सामर्थी है, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है. Flies do not like two things. They do not like fire. जो मक्खियां होती है वह आग को पसंद नहीं करती. Flies do not like fire. और जो मक्खियां है वह आग को पसंद नहीं करती. Another thing that they fear is the tail of a horse. घोड़ा अपने पूंछ से मक्खियों को उड़ा देता है. So it is time to release the anointing of the horse. और यह समय है कि वो जो घोड़ों का जो अभिषेक है वो अभिषेक को हम इंद्रों में प्रवाहित करना आरंभ करें. On the mountain of education. और उस शिक्षा के उस पहाड़ के ऊपर. It is time to release the voice of the Lord. और यह समय है प्रभु की आवाज को घोषणा करने का. The majestic voice of the Lord. परमेश्वर की प्रतापमय आवाज को. To thunder on the mountains of education. ताकि शिक्षा के पहाड़ पर एक बदलाव को लाया जा सके. Now let's go to another mountain, the mountain of the media. और अगला जो पहाड़ है वो मीडिया का पहाड़. On this mountain, in this gate. और उस फाटक पर, उस पहाड़ पर. The media interprets information and events through the lens of good or evil. और हम देखते हैं कि संचार माध्यम या तो सच्चाई की बात कर सकता है नहीं तो बुराई के द्वारा प्रभावित होता है. There is the spread of fear, there is the spread of rumor, there is the spread of panic on this mountain. और उस पहाड़ के द्वारा अफवाहें, भय और इस प्रकार की बातों का फैलाव होता है. And there's great effects upon nations. और यह राज्यों के ऊपर अपना प्रभुता करता है. In the nation of Rwanda, in Africa. और अफ्रीका में, उगांडा में. One announcement
on the radio station sparked a civil war. और एक गलत खबर ने पूरे वहां पर एक गृह युद्ध छेड़ दिया था. And thousands of people, it was a tribal war. Thousands of people were massacred. Thousands of people died. और उसके कारण हजारों के संख्या में लोग आपस में कबीले आई लड़ाई के अंदर मारे गए. It was because of an information that came through the radio station. और एक गलत अफवाह जो रेडियो स्टेशन के द्वारा भेजी गई उसके द्वारा यह हुआ. We must therefore repent and renounce misinformation and deceit that comes from this mountain. और उस पहाड़ से, संचार माध्यम के पहाड़ से जो अफवाह है और भ्रामक खबरें आती है उसके लिए हमें पश्चाताप करना है और प्रार्थना करना है. We must repent and reject the spirit of fear and panic. और वहां से भय का और आतंक की जो दुष्टात्मा कार्य करती है उसको हमें निरस्त करके प्रार्थना करना है. We must repent and renounce the spirit of doom and gloom that prevails on the mountain. और वहां से जो विनाश की और नकारात्मकता की खबरें प्रसारित होती है उनके को हमें निरस्त करके हमें घोषणा करना है. We may deal by the anointing of the Holy Spirit, the gospel and the whisperings on this mountain. और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें उस पहाड़ पर कई बातों की घोषणा करना है. Let's look at the last but one mountain. और आखिरी उस छठे पहाड़ को हम देखेंगे. This is the mountain of the arts and entertainment. और वो है कला का और एंटरटेनमेंट का क्षेत्र. The entertainment and arts industry in India has really grown. और भारत के अंदर जो हम देखते हैं कि जो आर्ट का, कला का और जो एंटरटेनमेंट का, आमोद प्रमोद का जो क्षेत्र है वो काफी विकसित है. This mountain is a sphere of creativity for good or for ill. और यह जो है सृजनात्मकता का क्षेत्र है, वहां पर अच्छी बातें भी हो सकती है और बुरी बातें भी होती है. It is a mountain that captures the hearts of the youth. और विशेष करके जवानों को अपनी ओर खींचने वाला प्रभाव का पहाड़ है यह. There's a lot of counterfeiting. और यहाँ पर बहुत ही गलत बातें जो है, दिखावटी बातें होती है. There's a lot of deception. बहुत बड़ा धोखा होता है. That is associated with this mountain. और इस पहाड़ के साथ में जुड़ी हुई ऐसी बातें होती है. We must pray that God will raise anointed Christians to serve on this mountain. और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अभिषिक्त मध्यस्थों को खड़ा करे जो इन बातों के खिलाफ प्रार्थना कर सके. The last mountain of influence, the gateway into nations, is the mountain of religion. और आखिरी या सातवां जो पहाड़ है वह है धर्म का पहाड़. This sphere of influence moves people either to worship God or to worship Satan. और यहाँ पर या तो लोग प्रभु की आराधना कर सकते हैं, नहीं तो शैतान की आराधना कर सकते हैं. The spirit of religion distorts truth. It also brings distorts reality and opposes the Holy Spirit. और यहाँ पर जो दुष्टात्मा कार्य करती है वो सत्यता को छिपाती है और दुष्टात्मा के कार्यों की और पवित्र आत्मा के खिलाफ में कार्यों को करती है. Brethren, we need to pray for a visitation of God on the mountain of religion. और प्रियो, हमें इस पहाड़ पर परमेश्वर की मुलाकात के लिए हमें प्रार्थना करना है. We need to pray for God to raise missionary to reach the unreached in the societies. और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करे जो खोए हुओं के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार कर सके. Now having identified these gates. और इन फाटकों का बताने के बाद में. How do we do battle in the gates? अब इन फाटकों में हम कैसे युद्ध लड़े? The reason is that we must join the battle before we can turn it around. और जब तक हम उस कारणों को नहीं जानेंगे तब तक शत्रु को हम वहां से भगा नहीं पाएंगे. To begin with, आरंभ करने के लिए, we must know that to overturn the strategies of Satan and his agents, we must deal primarily with the gates of our nations. और यह बहुत जरूरी है कि शैतान की चालों को और उसके तरीकों को पराजित करने के लिए हम इन बातों को समझें.
Somebody has jokingly said that if you allow the enemy to enter in, it's difficult to get him out. So deal with him in the gates before he enters. और आपको ध्यान देना है कि शत्रु फाटक से अंदर प्रवेश करने के बाद में उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको प्रवेश करने से पहले ही फाटक से हमें भगाना है. And listen, wherever anyone is keeping watch over a place of power, that person is a gatekeeper. और प्रियो, जो व्यक्ति एक पहरुए के समान जागरूक रहता है वह व्यक्ति द्वारपाल होता है. And every gatekeeper is a watchman. Every gatekeeper is an intercessor. Every gatekeeper is a warrior. और हर एक जो द्वारपाल होता है वह एक पहरुआ होता है, वह एक योद्धा होता है, वह एक मध्यस्था की प्रार्थना करने वाला होता है. Well, I pray that the anointing of the watchman, the anointing of the intercessor, the anointing of the warrior will fall upon us. और आज मेरी ये प्रार्थना है कि उस पहरुए की जो आत्मा है, मध्यस्था की जो आत्मा है, योद्धा की आत्मा है, हम में से हर एक के ऊपर उतर आने पाए. And in doing the gatekeeping and turning the battle in the gates, we must be mindful of promises that the Lord has given to his children. और फाटकों से शत्रु को खदेड़ते समय हमें सतर्क रहना है उन सारे वायदों के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए हैं. One of them is our primary text in Isaiah 28 verse 6. और यशायाह 28 छठे पद में हम एक वायदे को देखते हैं. Which says that the Lord will give strength to those who turn back the battle at the gates. और वहां लिखा है कि जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए यहोवा परमेश्वर बल ठहरेगा. I hear the Lord saying clearly that he will give strength to his army in the gates. और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है, जो फाटकों पर खड़े रहते हैं उनको परमेश्वर अपना बल प्रदान करेगा. I'm hearing the Lord saying in this season that he would give strength to his warriors in the gates. और आज मैं परमेश्वर की उस आवाज को सुन पा रहा हूँ इस मौसम में, जो फाटक पर खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाएगा यहोवा परमेश्वर अपना बल उन्हें जरूर देगा. And for the third time, और इस समय के लिए, the Lord, the creator of the heavens and the earth is saying that he will give strength to his gatekeepers. और यदि आप फाटकों पर खड़े होने के लिए आप तैयार हो जाओ तो आज रात को यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है वह कह रहा है मैं तुझे बल प्रदान करूंगा. Maybe somebody is saying that this is Old Testament. और हो सकता है कोई कह रहा होगा ये तो पुराने नियम की बात है. But let's come to the New Testament. आइए हम नए नियम में आए. And this is from the mouth of our Lord Jesus Christ, our Savior Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बात है. He said in Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. मत्तीरची सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा. And I also say to you that you are Peter. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है. And on this rock. और मैं इस पत्थर पर I will build my church. अपनी कलीसिया बनाऊंगा. On this rock. That is Jesus himself. I will build my church. और इस पत्थर पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. And hear the word of the Lord. परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुनिए. And the gates of Hades shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. Hear me, people of India.
Church in India, no matter the noise coming from the dark places, from satanic people, the word of the Lord stays supreme, that the gates of hell, the gates of Satan cannot prevail against his church. At any given moment, the church of Jesus Christ will arise in triumph, because we are not victims, we are victors. और आज मुझे सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले भारत की कलीसिया, आप ध्यान से सुनिए, कितना भी कोलाहल क्यों न हो, लेकिन उसके बीच में कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे और हम जयवंत ठहरेंगे, क्योंकि मुझे और आपको ये समझना है, हम हारे हुए नहीं है, लेकिन हम जय के साथ में स्थापित किए हुए लोग हैं मैं और आप. There's something we must understand. और यहाँ पर ऐसी कुछ बात है जो हमें समझना है. Just as we have godly gatekeepers, so do we have ungodly, satanic gatekeepers. और हमें ये ध्यान देना है, एक तरफ परमेश्वर से प्रेम करने वाले फाटकों पर खड़े रहने वाले द्वारपाल है, तो दूसरी ओर शत्रु की ओर से खड़े रहने वाले अंधकार की ताकतों के द्वारपाल भी है. In 1 Corinthians chapter 16 verse 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय और उसका 9वां पद. Paul pen this down for our knowledge. और पौलुस वहां पर इस बात को लिखता है. He said. और इस प्रकार से कहा. He said. A great door and effectual one has been opened unto me, and there are adversaries. और पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 9वां पद, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं. Paul is making us to know that as we enter into the gates, there are adversaries. There are satanic gatekeepers in the gates of opportunities that God has opened to the church. और पौलुस यहाँ पर हमें याद दिला रहा है, कलीसिया के लिए अवसरों का द्वार जो परमेश्वर खोलता है, वहां पर उसका विरोध करने के लिए विरोधी भी बहुत खड़े होते हैं. But we must follow the example of Jesus Christ. लेकिन हमें यीशु मसीह के उदाहरण को ध्यान देना है. When he was going to heaven and he has passed through the first heaven and he reached the second heavens, something happened there. The gates were closed on him. और हम देखते हैं, जब वो पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग पे उठा लिया गया और वहां पर द्वार खुल गए थे. We find that in Psalm 24, verses 7 to 10. भजन 24 उसके 7 से 10 में हम देखते हैं. Hear the word of the Lord. परमेश्वर का वचन हम सुने. That were made in the gates of eternity. और वो अनंतता के उन फाटकों में, भजन 24 उसका 7 और 8 आप देखिए. And in this messianic psalm. और इस भजन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है. It is written, lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors. हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. And the king of glory shall come in. क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. And suddenly there was a defiance. A word came out from the gate and said in verse 8, who is this king of glory? और आठवें पद में एक आवाज गूंजती है, वह प्रतापी राजा कौन है? And swiftly those who accompanied Jesus Christ swiftly responded and said, the Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, all ye gates. Lift up, you everlasting doors. And the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. और उसका उत्तर तुरंत वहां पर आता है, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है, वही प्रतापी राजा है. We are the servants
of the King of Glory. और प्रिय उस प्रतापी राजा के साथ में मैं और आप भी हैं. Brethren, I am proud to say that I belong to the army of the Lord. और मैं उस राजा के साथ में हूँ. इस बात का मुझे गर्व है. My captain and your captain is the Lord of Lords. He is the Lord of Hosts. He is Jehovah Shabbat. और प्रिय मेरा और आपका सेना नायक सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है. वह सेनाओं का राजा है. And listen, we do not know defeat is not in our dictionary. और प्रिय हमारे शब्दकोश में पराजय नाम का एक शब्द नहीं है. And just as the ancient gates were lifted up for the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ, to enter into his glory, so the gates of India will be lifted up so that the King of Kings, the Lord of Lords, even Jesus Christ, will enter gloriously into India. He had done it before and he will do it again. और हम यहाँ देखते हैं कि सनातन के द्वार ऊंचे हो गए. क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. यदि ऐसा है तो आज रात को हमें विश्वास करना है कि भारत के फाटक भी खुल जाएंगे. क्योंकि यहोवा जो प्रतापी राजा है, जो प्रवेश उसने जो आज जो इंद्रों में भारत में प्रवेश करेगा, और ऐसा होने जा रहा है. This evening, permit me to submit to you that in doing gatekeeping, in wearing in the gates of our nations, there are certain protocols which we must follow to be successful in the battle. और प्रियो ये बहुत जरूरी है. उस पहरुए की भूमिका जब हम उन फाटकों पर बिताते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अनुसरण मुझे और आपको करना अनिवार्य है. The first one is that we must bring repentance in our gates. And I've said it over and over again. Repentance is very important. Why is repentance important? और पहली बात जो मुझे और आपको याद रखना है, जब हम फाटक पर पहरुए के समान खड़े हैं, हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है. और ये क्यों जरूरी है? My mentor, Barrister Mikangwampa, taught me that repentance opens the door of mercy so that those who are guilty of an offense do not get the appropriate punishment they deserve to get. और मेरे आत्मिक अगुए ने मुझे इस प्रकार से बताया कि जब हम मन फिराव की प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, दया का सोता वहां पर आरंभ हो जाता है, ताकि वे लोग जो अपनी गलतियों के कारण दंड के अधीनता में है, उन पर परमेश्वर की दया प्रवाहित हो जाए और वे भी उस फाटक से भीतर प्रवेश कर सके. Repentance opens the door of grace so that people get something they do not deserve to get. और जो मन फिराव या पश्चाताप अनुग्रह के द्वार को खोलता है, ताकि लोग जो दंड के योग्य है उन्हें दंड न मिले और वो अनुग्रह के कारण बच जाए. Repentance breaks the legal ground that Satan has over lives and nations. और मन फिराव शैतान का जो कानूनी हक लोगों के ऊपर है, उस कानूनी हक को तोड़ देता है. Repentance allows you to see what God has lost, so that when you are repenting, you bring deep repentance before God. और मन फिराव उन बातों को हमारे सामने लेकर आता है जहां पर हमने चीजों को खो दिया है, ताकि उस दर्द के साथ में हम प्रार्थना कर सके. Repentance allows you to avail yourself of the blood of Jesus Christ. और मन फिराव यीशु मसीह के लहू की सामर्थ की उपलब्धता को स्वीकार करने के लिए हमें लायक बनाता है. For you to use it against the handwritings and ordinances that is working against the land. और उस देश के खिलाफ जो विधियों का लेख लिखा हुआ था, जो बातें उसके नाम पर उसके खिलाफ थी, उसे निरस्त कर दिया गया है. उसके लायकात के अंदर हमें वो लेकर आता है. Repentance allows you to authoritatively apply the benefits of redemption against invisible dominions, principalities and powers. और जो मन फिराव है, उद्धार के कारण जो लाभ हमें मिलता है, प्रधानताओं के ऊपर, अधिकारों के ऊपर जो जय हमें मिली है, उसको हम पर लागू करता है. One of the areas all over the world, especially in Africa and Asia, where we should bring repentance is in the area of idolatry.
और विशेष रीति से एक प्रधान क्षेत्र है जहां पर हमें मन फिराव की जरूरत है, वह है मूर्ति पूजा का क्षेत्र। An idol is anything you honor more than you honor God. और मूर्ति क्या है? वह हर बात जो आप प्रभु से ज्यादा बढ़कर समझते हैं वह आपके लिए एक मूर्ति हो जाती है। In Ezra chapter 20, verse 1 to 6, God warned against the worship of idols, either in the heavens, on earth, or below the earth. और निर्गमन 20वें अध्याय में हम देखते हैं हर प्रकार की मूर्ति या प्रतिमाओं को बनाने और उनकी आराधना खिलाफ करने के खिलाफ परमेश्वर ने वहां पर आज्ञा दी है। Idolatry is so heinous to God that it moves him to jealousy. और हम देखते हैं कि चूंकि हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार के आराधना शैली से नफरत करता है। In Psalm 78, verse 58, Psalm 78, verse 58, it is written, "For they provoke him to anger with their high places and move him to jealousy with their graven images." और भजन संहिता 78 के अंदर इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो बातें हैं उसके कारण परमेश्वर क्रोध से भर जाता है और परमेश्वर उससे डाह करता है। Idolatry leads to death. और ये मृत्यु की ओर लोगों को लेके जाती है। Psalm 78 verse 64, it says, "Thy priests fell by the sword, and their widows made no lamentation." Look at as such an awful situation. और हम देखते हैं कि वे तलवारों से मारे जाएंगे और उनके लिए विलाप करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ऐसी दर्दनाक अवस्था से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। Idolatry deadens people's spiritual senses and makes them spiritually dumb, blind, deaf and lame. और मूर्ति पूजा के कारण लोगों में आत्मिक अंधापन आ जाता है, आत्मिक बहरापन और आत्मिक गुंगापन की अवस्था में वे चले जाते हैं। So this brings us to the second protocol. और यह दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूं। We must renounce demonic claims in the gates of our nations, in the towns, cities, and the nation. और हमारे देश के फाटकों में खड़े होकर अंधकार की ताकतों की जो वायदा है उनको हमें निरस्त करना है और उन घोषणाओं को हमें खंडित करना है। Renunciation lays the foundation for breaking ancient curses and evil spells. और हर प्रकार के जो श्रापों की बातें हैं उनको हमें खंडित करना है और उनको निरस्त करना है। Renunciation lifts the cover of darkness over the land and enables intercessors to see the plans and purposes of God for their nations. और विशेष करके शत्रु की जो चालें हैं, जब हम उनका इनकार करते हैं, जब हम उनका खंडन करते हैं, उनका प्रभाव देश में कम हो जाता है। The third protocol, which is also very important. तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, is to revoke evil covenants and curses. और वह है जो दुष्ट की जो वाचाएं हैं उनको पूर्ण रीति से खंडित कर देना। Hear me in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम में आप मेरी बात सुनिए। Satanic covenants made at shrines, at altars, and in various satanic places can bring a whole nation into bondage. और शैतान ने जो वाचाएं राज्यों के साथ में बांध रखी है, पूरे राज्य को वो बंधुआई के अंदर पकड़ के रख सकती है। And to break satanic covenants, there are three or four things we must do. और उन शैतान की वाचाओं को तोड़ने के लिए तीन चार बातें हैं जो हम कर सकते हैं। You must be very strategic. और आपके पास में एक रणनीति होनी चाहिए। We must be specific. और हम बिल्कुल निश्चिंत होने चाहिए। We must be scriptural. और आप आत्मिक, आप वचन आधारित होने चाहिए। We must be systematic in dealing with covenants and curses in that order. और वाचाओं के साथ में और श्रापों के साथ में जब हम उनके खिलाफ जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको व्यवस्थित तरीके से वो करना जरूरी है। Above all, we must be spirit directed. और सबसे बढ़कर आत्मा के अगुवाई में हमें करना है। The fourth protocol. और चौथी बात, is to release the blood of Jesus Christ as atonement for the iniquities of the land and of the people of the nation. वह यीशु मसीह के लहू की जो सामर्थ जिसके द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा होती है उसको हमें लागू करना। Leviticus chapter 17 verse 11. लेवियोस्ता 17 उसका 11.
He said, "For the life of the flesh is in the blood." और वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है लहू में. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul, and for that matter, for the land also. और जो लहू है जिसे वेदी पे डाला जाता है और उसके द्वारा पाप की क्षमा होती है और यह हमें राज्यों पे करना है. Yes, as the blood has stopped the destroyer from destroying the Hebrews, so the blood of Jesus Christ today can stop death from moving any further than it has moved. और जिस प्रकार से मेमने का लहू इसराइलियों ने अपने घर की चौखट पे लगाया तो मृत्यु का दूत उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, ठीक इसी प्रकार से उस लहू के वाचे की वचा की घोषणा हमें भी इन दिनों में हमारे देश में करना है. Jesus Christ bring peace between God and man. और यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक शांति और मेल मिलाप स्थापित हुआ. The blood of Jesus Christ also brings peace between the land and God. और यीशु मसीह का लहू भूमि और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप करवाता है. And the last but one protocol. और आखिरी से एक बात. Wherever we move. Wherever we move, in India, जहां जहां चलते हैं वहां we must begin to raise altars unto God. और वहां पर प्रभु के लिए वेदियों को स्थापित करते रहना है. Altars are places of worship and sacrifice. और वेदी क्या है? स्तुति और आराधना का स्थान. Altars are highways to connect spirits to the land. और वेदी क्या है? परमेश्वर की आत्मा को भूमि से जोड़ने वाला स्थान. It is a place for making legal decrees, spiritual decrees. और वेदी क्या है? आत्मिक चीजों को उतारने के स्थान है. When you go to heaven, you find an altar there. The throne has an altar. Every throne has an altar that speaks into it. और जब भी आप स्वर्ग में जाओगे, हर जो सिंहासन है उसके आगे एक वेदी होती है जो एक बात को बताती है. Jesus Christ came and raised an altar in Golgotha and connected it to the golden altar in heaven. और यीशु मसीह ने गोलगोथा में एक वेदी को स्थापित किया और उस वेदी को स्वर्ग के उस सिंहासन के साथ में जोड़ दिया. The patriarchs raised altars when they move on the land of Israel. और इज़राइल के ऊपर में जब वे लोग घूम रहे थे वहां पर उन्होंने अपनी वेदियों को स्थापित किया. Abraham raised 3 altars. अब्राहम ने 3 वेदियों को स्थापित किया. Isaac raised 1 altar. आइज़क ने एक वेदी बनाया. Jacob raised 3 altars. So 3 generations they raised 7 altars on the land of Israel. That is why Israel can never be defeated because of those altars that are speaking into the land, that are speaking into the nation of Israel. और हम देखते हैं कि उन कुल पिताओं ने कुल मिलाकर 7 वेदियों को वहां पर स्थापित किया और उन 7 वेदियों को वहां पर स्थापित करने के कारण वे कभी पराजित नहीं हो सकते. इज़राइल पराजित नहीं हो सकता. And as we must ask for the Holy Spirit to brood over the nation of India, to brood over the nations of the world. और हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आइए, भारत के ऊपर आप मंडराइए, विश्व राज्यों पर आप मंडराइए. And as we do that, the darkness will disappear. और जब हम वो करेंगे अंधकार जाता रहेगा. The void in the nation will disappear. और जो खालीपन है वो चला जाएगा. The emptiness in the nation will disappear. और शून्यता इस देश की चली जाएगी. And we should pray for the anointing of the Issachar, who knew the times and the season for them to step out and do what God has called them to do. और हमें इन दिनों में इसाकार के समान हमें प्रार्थना करनी है ताकि इन दिनों में समयों की पहचान को हम पा सके. Now it is time to pray. अब प्रार्थना का समय. And as I bring that prayer topics out, I want everybody to join and lift your voices unto the Lord. और मैं चाहूंगा क्यों ना हम सभी लोग मिलकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करें. And according to the teachings that the Lord has given us to us tonight. और परमेश्वर ने जो वचन में से बातें आज रात को हमें सिखाई उनके आधार पर. Our first prayer. हमारी पहली प्रार्थना. Is to bring repentance and ask God for mercy for our sins, trespasses, and iniquities as a nation.
और वह है एक देश होने के नाते हमें मन फिराव की प्रार्थना करनी है हमारे अधार्मिकता के कामों के लिए, हमारे अपराधों के कामों के लिए हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना है। Citizens of India, भारत के अंदर, you know the sins of India, आप भारत के पापों को जानते हो प्रभु, you know the trespasses of India, प्रभु जी जो अपराध हमने किए उन्हें आप जानते हैं, you know the iniquities of India, और हमारी कमियों को आप जानते हैं, I want us to spend time, मैं चाहूंगा आप सभी समय बिताए प्रार्थना में, and cry to God, our Lord, we have sinned against you. और हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु हमने पाप किया है, Lord, have mercy. प्रभु हम पर दया कीजिए, forgive us of our sins. हमारे पापों से हमें क्षमा कीजिए, forgive us of our trespasses. हमारे अपराधों को हम पे क्षमा कीजिए, forgive us of our iniquities. हमारे धर्म के कामों में आपकी क्षमा को हम चाहते हैं। Let us cry unto God. आंसुओं के साथ आज रात कितने लोग मन फिराव के लिए तैयार है, प्रभु के सम्मुख आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के सम्मुख मन फिराने के लिए हम तैयार हो जाए, आंसुओं के साथ में, oh God, हम पर दया कीजिए पिता, हम पर दया कीजिए पिता, प्रभु जी हमने आपके खिलाफ बहुत सारी बातें की, प्रभु जी हमने ऐसे कई बातों पे भरोसा रखा जो ईश्वर नहीं थे, हमने पाप किया पिता, It's unto you that we have sinned. It is you that we have committed trespasses. It is you that we have committed iniquities. Oh God, hear our cry. प्रभु जी हमने आपके खिलाफ हमने धर्म के काम किए, आपके खिलाफ हमने न्याय के कार्य किए, आपके खिलाफ हमने पाप किया, पिता में क्षमा कीजिए। Oh God, be merciful. Oh God, let your grace abound upon us. प्रभु हम पर दया कीजिए, आपका अनुग्रह हम पर आप उंडे लिए, Bless us in the blood of Jesus. आपके लहू के द्वारा आप हमें धोइए पिता, even though we deserve it. प्रभु जी हम इसके लायक नहीं है, लेकिन आपके लहू में आप हमें धोइए पिता, क्रूस पर आपने जो कार्य पूरा किया है उसके कारण पिता में स्वीकार कीजिए, इंडिया क्राइज फॉर यू, प्रभु जी हम भारत के लोग मिलकर आज सुबह आज रात हमें आपकी क्षमा चाहिए पिता, यू नॉट हैव सेंट योर सन जीसस टू डाई फॉर अस, प्रभु जी आपने आपके पुत्र यीशु को हमारे लिए संसार में भेजा, बट ही डाइड फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, ही डाइड फॉर द सिंस ऑफ द नेशंस, ओ गॉड, हियर द क्राई ऑफ इंडिया, हियर आवर क्राई ओ गॉड, प्रभु जी आज रात को वो हमारी पुकार होने पाए पिता, भारत की पुकार ये होने पाए कि हमारी नजरों को माप की ओर मोड़ सके पिता, Let everyone born of India cry unto God. हर भारतवासी आज आंसुओं के साथ में प्रभु को पुकारे, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आज हमारे आंसू गिरने पाए, Come before the mercy seat in heaven. उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आंसुओं के साथ में आप हम चले आए, Oh God, have mercy. प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर पिता, Lord have mercy on India, प्रभु भारत पर दया कर, Lord have mercy on India, प्रभु भारत पर दया कर, Lord forgive us oh God, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, far too long we've turned our backs on you, प्रभु जी हमने आपसे मुंह मोड़ लिया था,
no voice. We've served idols that have feathers. We have said things that cannot speak, that have no ears, oh God. प्रभु जी, हमने आपसे मुंह मोड़ लिया, हमने अपनी इच्छा के आधार पर ईश्वरों का निर्माण कर लिया और अन्य बातों के पीछे हम चले गए पिता। Lord, we forsake our idols. प्रभु जी, हमारे द्वारा बनाई उन सारी बातों को हम छोड़ने को तैयार हैं। Lord and our King. प्रभु, हमें क्षमा कर। We recognize you as our Savior. प्रभु जी, हम आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। Lord, have mercy. प्रभु, हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, यीशु के नाम में मांगते, यीशु के नाम में मांगते, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Oh Lord, have mercy upon us. प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, have mercy. हम पर दया कीजिए, have mercy. Have mercy. Let's all begin to thank God for His grace and mercy. उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते रहे। Let's thank God for His grace and mercy that He has poured upon us. उसका अनुग्रह, उसकी दया जो उसने हम पर उंडे लिया, हम उसके लिए उसको धन्यवाद देते रहे। Brethren, hear me in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let us not take His grace and mercy for granted, for we deserve His wrath, we deserve destruction, but tonight, because we have cried to Him, and for the sake of His Son Jesus Christ, He has extended forgiveness, He has extended mercy, He has extended grace. प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को हल्के में न ले। हम क्रोध के अधीनता में थे, हम पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा, वो अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ कि वो हमें स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। आंसुओं के साथ में प्रियो, उस अनुग्रह को हल्के में न ले। एक बड़ी कीमत उसके लिए अदा की गई है। मन फिराव के साथ में, आंसुओं के साथ में आज यीशु को पुकारने के लिए तैयार हो जाए। Yes, Jesus. Let's cry to Jesus to deliver us, from destruction, from the forces of darkness. अंधकार की ताकतों के विनाश से हमें बचाने के लिए आंसुओं के साथ में आज रात यीशु को पुकारे। Let's pray to God to deliver us. प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें छुड़ाए। To deliver India. प्रभु, भारत को छुड़ा। From the forces of darkness. अंधकार की ताकतों से भारत को छुड़ा प्रभु। Lift up your voices and cry to God. ऊंची आवाज में, आंसुओं के साथ में प्रार्थना कीजिए आज रात। Lift up your voices and cry to God. अपनी आवाज को उठाकर पुकारिए आज रात। We are before a righteous God. हम एक धर्मी परमेश्वर के सम्मुख खड़े। We are before a mighty God. एक प्रतापी परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हैं। Deliverance belongs to God. प्रभु की ओर, छुटकारा प्रभु की ओर से है। And He is able to deliver India to the uttermost. और आज वह भारत को छुड़ाने के लिए सामर्थी है। Ask God to release His deliverances over India. और प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरे छुटकारे का हाथ इस देश पर तू प्रकट कर। India from the forces of darkness. अंधकार की ताकतों से इस देश को तू छुड़ा ले। Let us pray. के प्रार्थना करें। Pray.
प्रार्थना करें, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु छुटकारा दे, भारत को तू छुटकारा दे, प्रभु भारत में तेरा छुटकारा आने पाए, भारत में तेरा छुटकारा आने पाए, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऐसा होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's go to Isaiah chapter 56, verses 9 and 10. Going to another level of prayer. प्रार्थना के एक दूसरे स्तर में हम जाने जा रहे हैं। In Isaiah chapter 56, verses 9 and 10. और 56 उसका 9 और 10. The word of the Lord says. परमेश्वर का वचन कहता है। All you beasts of the field. हे मैदान के सब जंतुओं। Come to devour all you beasts in the forest. हे वन के सब पशुओं खाने के लिए आओ। His watchmen are blind. उसके पहरुए अंधे हैं। They are all ignorant. वे सब के सब अज्ञानी हैं। They are all dumb dogs. वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। They cannot bark. जो भौंक नहीं सकते। They are sleeping, lying down, loving slumber. वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। Let us ask God to deliver us as intercessors from blindness, from ignorance, and from dumbness. और आज रात को हम प्रभु से मांगे, माफी मांगे, प्रभु तू हमें छुड़ा दे अंधेपन के अंदर से, अज्ञानीपन के अंदर से, आप हमें छुड़ाइए गूंगेपन के अंदर से, आप हमें छुड़ाइए, ऐसा आज रात हम प्रार्थना करें। So that we can stop the beasts that seek to enter our spheres of influence. और ताकि उन फाटकों में जो इस प्रभाव के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, वहां पर हम जीत को पा सके। Lord, again we ask for deliverance. Let's ask God for deliverance. और मिलकर प्रभु से मांगे, छुटकारे की घोषणा करें प्रभु से। Deliverance from blindness. अंधेपन से छुटकारा। Deliverance from ignorance. अज्ञानता से छुटकाना। Deliverance from dumbness. और गूंगेपन से छुटकारा। And now we are going to do a very special prophetic action. और अभी हम एक नबूवतीय एक्ट करने जा रहे हैं। I ask that the leadership should bring soil into this meeting. और मैंने कहा था कि आप जो है मिट्टी आपके हाथ में रखें। Now I want you to put your finger on the soil of India. और मैं चाहूंगा आप एक विश्वास के कार्य के तौर पे आपके हाथ में जो मिट्टी आपने ले रखी है उस मिट्टी में अपनी उंगली को डालें। So everyone of the leadership come out with your sword and put your finger on it. और आप में से हर एक व्यक्ति अपनी उंगली को उस मिट्टी के अंदर रखें। I'm going to bring certain declarations over India. And India is being represented, yes, by the sword that you are holding. और आज जो भूमि आप मिट्टी आपके पास में है, मानो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, और उस प्रतिनिधित्व के साथ हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। And I'm going to speak to the soil of India, to the land of India. और भारत की भूमि में हम आज कहते हैं, India, India, India. भारत, भारत, भारत. Hear the words of mine. वचन के इन बातों को तू सुन. Earth, earth. तू कार्य कर. India, India. भारत, भारत. I release you in this very moment. और इस समय मैं तुझे आजाद घोषित करता हूं. From all demonic ploys. सारे अंधकार के ताकतों से. From demonic covenants. सारे अंधकार की वाचाओं से. From curses. सारे श्रापों से. From witchcraft. सारे जादू टोने की ताकतों से. From spells. सारे ऐसे चालों से. That you have been brought into by the children of wickedness. दुष्टता के संतानों के द्वारा जो बातें की गई है उनसे. As a highly exalted ambassador of Jesus Christ. और यीशु मसीह के सामर्थी नाम को ऊंचा उठाते हुए. And join here with Jesus. और यीशु के संग संग जुड़कर. I release you as. और इस बात की घोषणा हम करते हैं. And for that matter, India. और उस कारण से भारत.
from the burden of having to obey the words of the children of wickedness. और दुष्टता के संतानों के अधीनता के अंदर से as of India. और भारत बाहर निकलने पर I decree and declare that you will no longer be subdued by the evil words of those who despise the name of Jesus Christ and his glorious kingdom. और विश्वास से हम ये घोषणा करते उन सारी दुष्टता की संतानों की अधीनता से जो आपके नाम की अवहेलना करते हैं ये देश बाहर आने पाए. You are now legally and righteously relieved of your duty to the children of wickedness. और दुष्टता की संतानों के आधिपत्य को यीशु नासरी के सामर्थी नाम से हम निरस्त घोषित करते हैं. I now employ you in the service of Christ and his kingdom. India, I will relieve you into the employment of our Lord Jesus Christ. और भारत अब तू दुष्टता की संतानों के अधीनता में नहीं लेकिन प्रभु के लोगों की सेवा में और उनकी उनकी भलाई में सारे कार्य तेरे मुड़ने पाए. As of India. और भारत Hear the word of the Lord. परमेश्वर की बात को तू सुन. I command you. मैं आज्ञा देता हूं. You open your mouth. तेरे मुंह को तू खोल. And swallow every demonic altar. और सारे अंधकार की वेदियों को तू निगल ले. Discast spells. सारे जादू टोने की ताकतों को. Subversive activities. और सारे ऐसे दुष्टता के कार्यों को. Lies. Plots and plans of the enemy. और शत्रु की सारी युक्तियों को और चालों को. You destroy the destiny of India and her people. और उन लोगों की जो दुष्टता की ओर उन्हें ले जाया जा रहा है उस योजना को तो निरस्त कर दे. Every father. सारे पिता. I appeal to the judicial testimony of the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू की गवाही की घोषणा हम करते हैं. To wipe out every legal right and standing that the adversary had in the court against any portion of the land of India and her people. और शत्रु के सारे कानूनी अधिकारों को जो उसने लोगों के खिलाफ परिवारों के खिलाफ बांध रखा है उनके खिलाफ हम आते हैं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in repentance, मन फिराव में, we ask for forgiveness. हम आपसे क्षमा मांगते हैं. For our sins, हमारे पापों के लिए, the iniquities that have brought defilement on the और हमारी अधार्मिकता के जिसके कारण हम गलतियों में फंसे हैं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I ask for a righteous verdict. और एक धर्मी घोषणा हम आपसे चाहते हैं. Concerning the land of India, भारत की भूमि पर. And the soil in my hand that India represents. और ये मिट्टी जो हमारे हाथों में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है. Earth. और हम कहते हैं. Hear the words of my mouth. मेरे मुख के वचनों को तू सुन ले. And release the good of the land. और इस देश की भलाइयां प्रकट होने पर. And release the favor of the land. और परमेश्वर के जो सुधी इस देश में प्रकट होने पर. Release divine relationships. और प्रभु के कार्य यहाँ प्रकट होने पाए. Release businesses. भलाई यहाँ प्रकट होने पाए. Release investments. और अच्छे निवेश आने पाए. Release employments. और लोगों को रोजगार के अवसर मिलने पाए. Release physical and material prosperity. और शारीरिक और सांसारिक जो है जो संपन्नता आने पाए. Into the nation of India. भारत एक संपन्न राष्ट्र बनने पाए. In accordance with what you have written concerning India in your book in heaven. और स्वर्ग में भारत के बारे में जो आपने लिख रखा है वह सारी बातें इस देश में पूरी होने पाए. And now, Father, और अब हम पिता, I move a motion. और मैं घोषणा करता हूं. On behalf of India. भारत के निमित्त. That you seal this proclamation. कि जो बातें हमने यहाँ पे घोषणा की आप उन पर मोहर लगाएं. And make it part of the official documents. और इसको आप इस देश का नियम बनाइए. Of the courtrooms of heaven. स्वर्ग के उन अदालतों के अंदर.
that Satan's kingdom cannot subvert in the name of Jesus Christ. कि यीशु मसीह के नाम से अब शैतान का आधिपत्य इस देश पे न रहने पाए. And now, Father, in the name of Jesus, और अब पिता यीशु के नाम में, I request your royal courtroom in heaven to issue a divine restraining order against every territorial spirit that will have visited us in this very moment. और हम मिलकर घोषणा करते हैं कि आपकी स्वर्गीय अदालत से उन सारे अंधकार की ताकतों को जो हमारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, देश के खिलाफ कार्य कर रहे थे, आप उन्हें निरस्त कीजिए. And what your Supreme Court in heaven has just delivered to India and her people. और प्रभु जी आपकी स्वर्गीय अदालत में भारत के लिए सही बातों की घोषणा होने पाए. Now Lord, और अब प्रभु respectfully, बड़े आदर के साथ में, May you assign a high-ranking angelic officer from the courts of heaven. प्रभु जी आप स्वर्गदूतों को भारत में अपने अदालत से नियुक्त कीजिए. To enforce your divine restraining order. और प्रभु जी वहां से उन आदेशों के साथ में. And enforce any other orders from you that will inure to the good of India and the people of India in the name of Jesus Christ. और भारत की भलाई के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए स्वर्गीय आदेशों के साथ में आप स्वर्गदूतों की नियुक्ति इस देश पर कीजिए. Let us begin to thank God for hearing our request. Let everybody lift up your voice unto God. आइए मिलकर ऊंची आवाज में धन्यवाद करना आरंभ करें. प्रभु ने हमारी बातों को सुना, प्रार्थना को सुना. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. I've got a few minutes left. और कुछ समय मेरे पास में और है. And I've got a few prayer points for us to pray into. और कुछ प्रार्थना बिंदु में रखना चाहूंगा. Let us for the Issachar anointing that enables us to know the times and seasons in which we as intercessors must act promptly. और प्रियो हम इसाकार की आत्मा को इन दिनों में मांगे ताकि हम समयों को पहचानने का एक अभिषेक हमारे ऊपर आ जाने पाए. Let's put our hands on our heads and begin to ask for the Issachar anointing. आइए हमारे हाथों को सिरों पे रखें और मिलकर इसाकार के उस अभिषेक को आज हम हमारे ऊपर मांगे. Come upon our lives right now. प्रभु अभी इसी समय हमारे ऊपर वो अभिषेक आने पाए. इसाकार का अभिषेक हमारे ऊपर आने पाए. God, according to Ecclesiastes chapter 3 verse 1, works in seasons and times, in times and seasons. प्रभु जी हर समय में समयों को पहचानने का अभिषेक आपकी ओर से हमारे ऊपर आने पाए. We are in the season of the ascension. We are in the season when God is waiting for the 10th day and he will bring down his Holy Spirit. आप परमेश्वर पिता इन मौसम में हम मिलकर प्रार्थना करते आत्मा के उंडेले जाने की इस मौसम में नए रीति से आपकी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलिए. This is a great time. Let's ask for the Issachar anointing upon our lives. और प्रियो मिलकर मांगे इसाकार का अभिषेक हमें इंद्रों में चाहिए समयों को पहचानने की समझ की आत्मा आज रात हमारे ऊपर बूंदेलने पाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Lord, we ask for the Issachar anointing. प्रभु जय इसाकार का अभिषेक हम आपसे चाहते हैं. We shall do battle in the gates of India. प्रभु जी ताकि भारत के फाटक में हम युद्ध को लड़ सके. In the times and the seasons, oh God, that you have allotted to us to do battle, because there's a time of doing battle. और प्रभु जी युद्ध का समय क्या है उसे जानने का एक अभिषेक आप हमें दीजिए, क्योंकि युद्ध का एक समय आपके द्वारा निर्धारित होता है. Then not stay at home. It's a time of war. It's not a time of peace when men should go to war on behalf of our Master Jesus Christ in the gates of India. Anoint us with battles, Lord. और प्रभु जिन समयों को पहचानने के लिए जहां पर भारत के फाटकों में हमें खड़ा होना है, वो युद्ध लड़ना है, आप हमें समझ की आत्मा दीजिए. Thank you, Lord. धन्यवाद ईश. Now let's turn our Bibles to Isaiah chapter 25 verse 7. Isaiah chapter 25 verse 7. The Bible says, and he will destroy this mountain. The serpents of the covering cast over all people,
and the veil that is spread over the nations. यशया 25 उसका सातवां पद, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। Verse 8, he will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. आठवां पद, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। India has gone through the shadow of death. भारत मृत्यु के परछाई सोकर इंद्रों में जा रहा है। There are many homes that are grieving. बहुत सारे घर आंसुओं में हैं। Let us pray and ask God. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। He destroyed the cover and the veils of death over the nation. कि मृत्यु का सदा के लिए वो नाश करे। Let's lift our voice to God. मिलकर हम इस वचनों के आधार पर आज रात प्रार्थना करें। प्रभु, हे प्रभु, destroy the covering, और वो जो पर्दा पड़ा हुआ उसे तू हटा दे, and the veils of death over our nation, और प्रभु जो हमारे देश में जो आवरण, जो लोगों की आंखें बंद है, अब उसे हटाइए। Let's enforce this prayer request right now. और प्रियो, इस पदों के आधार पर मिलकर हम प्रार्थना करें। Let us speak to God concerning this prayer need. हम इंद्रों में इस प्रीति से हम प्रार्थना में बने रहे। Lord, every covering of darkness, every covering of death, every veil of death, Lord, we appeal to you to lift it off India. Take it off India, Lord. प्रभु जी, हर प्रकार का धर्म का पर्दा, पाप का पर्दा, झूठ का पर्दा जो लोगों के ऊपर पड़ा हुआ, पिता मिलकर प्रार्थना करते, उस पर्दे को आप हटाइए, उस घूंघट को आप हटाइए, लोगों को सावरण से आप बाहर निकालिए। Lord, we've seen the pictures of children walking in the street. Their parents are gone, father is gone, mother is gone, because of the cover of death, of the veil of death. Lord, let these veils, let these coverings be lifted off India. Oh God, lift these coverings, lift these veils from India in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर, इस पर्दे के पड़े रहने के कारण बहुत सारे लोग विलाप में हैं, बहुत सारे लोग शोक में, बहुत सारे परिवार आंसुओं में हैं, लेकिन आज रात हम लोग मिलकर मध्यस्थता करते, पिता इस पर्दे को आप हटाइए, पिता इस पर्दे को आप हटाइए, इस आवरण से लोगों का बाहर लेकर आइए। Lord, it is written that you came to give life and to give it abundantly. प्रभु जी, आपका वचन कहता है आप जीवन देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। Lord, we ask you this evening. प्रभु, आज हम मिलकर आपसे मांगते हैं। हम रोते पिता। And release your joy, release your life into India. आपका भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन भारत वासियों के ऊपर मांगते हैं। Let every soul in India begin to enjoy your life. प्रभु जी, भारत का हर व्यक्ति आपके जीवन का आनंद उठाने पाए। For you are the giver of life. You have always given life. Life comes from you. क्योंकि आप जीवनदायक आत्मा हो, आप जीवन देने वाले, जीवन आप ही की ओर से आता है। Lord, move, प्रभु जी, आपका जीवन भारत में बहने पाए। Breathe your life. आपके जीवन को आप भेजिए पिता। Release, Lord, your breath of life. आपके जीवन की श्वास को आज देश में फूकिए। Lord, over India. भारत के ऊपर Release life now. जीवन को फूंकिए पिता। Breathe over India with your life. भारत के ऊपर आपका जीवन। In India we need your life. भारत में हमें आपका जीवन चाहिए। We have come to the fountain of life. हम उस जीवन के सोते के पास में आए। Let your life flow from the northern India to the southern India, from the eastern India to the western India. Let your life flow to India. प्रभु जी, भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आपका जीवन का सोता बहने पाए। And now, Lord, let healings be released over India, India, India. India, receive the healing power of God over you. Let healing flow like a river.
प्रभु भारत में आपकी चंगाई बहने पा, आपकी चंगाई नदी के समान, आपकी चंगाई इस देश को स्पर्श करने पा। रिसीव हीलिंग, अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए। इंडिया 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 रिसीव हीलिंग, भारत चंगाई को स्वीकार कर लो। And you are healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हुए। Yes, Lord. Cause miracles of healing. Cause miracles of deliverances. Cause miracles of open heavens. Cause miracles of people coming to you supernaturally. Release your angels to come homes, to come the hills, to come the valleys, to come neighborhoods, communities, cities of India, governmental places. Let them receive the healing power of God, the healing touch of God right now in the name of Jesus Christ. Yes, India, healing is being released into you. Receive in the name of Jesus. Receive, 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 in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में भारत में चंगाई की घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करते। यीशु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की चंगाई, यीशु की चंगाई, यीशु की चंगाई, हर एक व्यक्ति पा लीजिए, स्वीकार कीजिए। यीशु की चंगाई को स्वीकार कीजिए, यीशु की चंगाई को स्वीकार कीजिए, यीशु की चंगाई भारत में हर एक भारतवासी के ऊपर अभी हम मिलकर मांगते। I will pray two more prayers and I will be done. Now, let's turn on Isaiah 28 verse 6. Yeshaya 28, uska chhata pad. Isaiah 28 verse 6. 28 ka 6. And ask God to give us strength to turn the battle in the gates of India. Prabhu se hum bal paaye ki Bharat ke faatak pe जो शत्रु चढ़ाई करने के लिए आया है, हम उसे वहीं पर उसे पछाड़ दे, उसे हम वहां से हटा दे। Pray this after me. मेरे पीछे इस प्रार्थना पद को दोहराए। Pray this after me. मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराए। Father, पिता, my father, मेरे पिता, मेरे पिता, my father, मेरे पिता, मेरे पिता, my father, मेरे पिता, मेरे पिता। I ask for supernatural strength. मैं आपसे एक अलौकिक बल को मांगता हूँ। To turn back the battles of India. भारत में जो शत्रु जो चढ़ाई कर रहा है, उसको भगाने के लिए। In the seven mountains of India. भारत के उन सात प्रभाव के पहाड़ों पर। I pray for the outpouring of the Holy Spirit. आत्मा के अद्भुत उंडेले जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Over the nation of India. भारत के देश के ऊपर। Spirit of the living God. जीवते परमेश्वर की आत्मा। Now breathe over India. भारत में आप फूंकिए। Brood over India. भारत में आप मंडराइए। Move over India. भारत में क्रियाशील हो जाए। And by your presence. आपकी उपस्थिति से। Let the darkness disappear. अंधकार जाता रहने पाए। Let the void be filled. खालीपन भर दिया जाने पाए। Let the impossible begin to take place. असंभव बातें संभव होने पाए। And let people know there's a God in heaven. और ये लोग जानने पाए कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Who rules, 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 who rules in the affairs of India. ये देश जानने पाए कि स्वर्ग में एक ऐसा परमेश्वर है जो भारत में, भारत में, भारत में, भारत के हर एक बातों के ऊपर प्रभुता करने वाला, प्रभुता करने वाला एक परमेश्वर है। ये देश जानने पाए। India, India, India. भारत, भारत, भारत. Hear my word tonight. हम यहाँ पर हैं आज रात. I love you. हम आपसे प्यार करते. I love you. आपसे प्यार करते. I love you. मैं आपसे प्यार करते.
That's why I gave you my son Jesus Christ. He died for you. और इसीलिए मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए मरने के लिए दिया. And his sacrifice. और उसका बलिदान. Speaking before me. मेरे निमित्त वो बोल रहा. On your behalf, India. भारत के निमित्त. Therefore, India. इसलिए भारत. Hear my word tonight. आज रात मेरी पुकार को तो सुन ले. I have loved you. मैंने तुझसे प्यार किया. Even as I love my son Jesus. मेरे पुत्र बेटे को, मेरे पुत्र यीशु को मैंने भेजा. God says the word of the Lord to his people. ताकि इन लोगों को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. May God bless all of you. प्रभु आप सबको आशीष देने पाए. My time is up. मेरा समय हो गया. And I hand over to Pastor Jim. Thank you for inviting me. धन्यवाद इस समय के लिए. I love every moment. Amen. Thank you so much. We are so grateful to Pastor Dr. James from Ghana. And I believe that this night was a historic night for India, spiritually historic night, and definitely the spiritual realm, the evil powers in the spiritual realm is disappeared, and God's life is everywhere in India, I believe. और मैं विश्वास करता हूँ आज की रात एक निर्णायक रात थी भारत के लिए. परमेश्वर की उपस्थिति इस देश के ऊपर उतर आई है. एक बड़ा बदलाव इस देश के हर क्षेत्रों में, हर आयामों में आज की इस मध्यस्थता प्रार्थना के द्वारा स्थापित हुआ है. At this very moment, the Lord sent Pastor James in our midst, and we are so grateful to you. Thank you, Jesus, for sending your servant to India. May the Lord God bless you abundantly. और प्रभु ने इस महत्वपूर्ण घड़ी में अपने दास को हमारे बीच में जोड़ा, और हम दिल से धन्यवाद देना चाहते प्रभु को इस सुंदर अवसर के लिए. And this moment is very important. I request Pastor Stanley to make an altar of worship, because the word is moving all over India, because from everywhere people are here, from everywhere, from every part of India. So this voice, this man of God's voice, the voice of God has already reached every part of India. And let's make an altar of worship right now. Aur kyon na aradhana ki ek vedi ko hum yahan par nirmit kare. Aaj raat jo vachan prabhu ke daas ke dwara aaya, milkar hum aradhana kare aur Bharat ke har rajyon mein, har nagaron ke andar ye aradhana goonjne paaye aur aatma ka ek bada kaary is desh ke andar hone paaye. Amen. Yes, Pastor Stanley. Jesus, something new in India, something new in India, something new in India. Pavitra.
तुझे छू ले पवित्र आत्मा, मुझे छू ले जीवन की आत्मा, शांति की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, शांति की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे छू ले पवित्र आत्मा, भारत तो छू ले पवित्र आत्मा, मुझे छू ले आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ, शांति की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ पीस, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट, ओ जीवन आत्मा, शांति की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, शांति की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र मुझे छू ले पवित्र आत्मा, इंडिया को छू ले पवित्र आत्मा, मुझे छू ले पवित्र आत्मा, इंडिया को छू ले झूले। सभी लोग अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, पवित्र आत्मा मुझे झूले, पवित्र आत्मा हमारे भारत को झूले, दिल से गाइए पवित्र आत्मा मुझे झूले, पवित्र आत्मा इंडिया को झूले, रे बाबा ना सब ढोरिया, पवित्र आत्मा मुझे झूले, पवित्र आत्मा इंडिया को झूले, come on lift your voice, worship him, let us acknowledge his holiness, oh let's declare Jesus our Lord God, you are holy, 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 holy are you Lord, we
മറക്കാനാവാത്തൊരു രാത്രിയാണിത്. ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ അയച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന കരച്ചിലിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു. और आज की रात एक अविस्मरणीय रात है, विशेष करके प्रभु के दास पास्टर स्टैनली को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रकार से प्रभु के दास के साथ में हमारी मुलाकात करने के लिए, और आज के सभा के अंदर प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना में हमारे अगुवाई करने का अवसर मिला. मैं समझता हूँ कि भारत की एक पुकार थी जो प्रभु के दास के द्वारा आज की रात यहाँ से उठाई गई. स्वर्गीय नियम प्रकार कर्तावेंद्र दासन वचन राज्य आत्ममंडल സ്പർശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓർ സ്വർഗീയ നിയമാവലിക്ക് ആധാർ പർ വചൻ കെപ്പർ ആധാരിത് ഹോത്തെ ഹുയേ ഇസ് രാജ്യക്ക് നിയമ കാനൂനോ കോ പ്രഭു കെ ദാസ് നെ ആത്മാ മേ ആസ് രാ സ്പർശ് കിയാ ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്പിരിച്വലി വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. और इसीलिए बड़े ही विश्वास के साथ में मैं कह रहा हूँ एक बड़ा ही निर्णायक कार्य इस देश के संबंध में आज रात को यहाँ पर हुआ है. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പെരിഫറൽ ലെവലിൽ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ഈ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉയർന്ന നിലകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ രാത് ബഹുത് ഹി സ്പഷ്ട രീതി സമയ ഇസ് ബാത് കോ സമജ് പാ രഹേ കി ഹം മേ സെ അധികാംശ ലോഗ് പ്രാർത്ഥന കെ കേവല ഏക് ബാഹരി സ്തര തക് ഹി ഹം പഹുഞ്ചേ ഹൈ ലേക്കിൻ യേ പ്രഭു കാ ദാസ് പ്രാർത്ഥന കെ കാഫി ഗഹരെ സ്തരോ തക് പഹുഞ്ചാ ഹുവാ ഏക് വ്യക്തി ഹൈ ഉസ് ബാത് കോ ആജ് ഹം സമജ് പാ രഹേ ഹൈ. ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് വചനത്തിലൂടെ എത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. ദേഖിയേ ഏക് പഹരുവാ एक द्वारपाल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी कितनी बड़ी है प्रभु के दास ने वचन के द्वारा हमें सिखाया. आ गौरव മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസ്തരാകാം. और उस गंभीरता को समझते हुए जो जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी है उसमें और अधिक वफादारी के साथ में हम अपने कार्यों को पूरा करें. आ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായി, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ശിശ്രൂഷ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. और यदि आज रात जब ये प्रभु के दास वचन की सेवकाई कर रहे थे उस समय आप में से किसी से पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत रीति से कोई बातचीत की, आप कुछ चीज़ को आप बांटना चाहते हैं, तो एक दो लोगों को हम तुरंत अवसर देना चाहेंगे. आप में से कोई भी हो तो आप उन बातों को बता सकते हैं. मनोज जी की दो पर यान उंडलो. स्तोत्रम प्रेज लॉर्ड. यस वेलकम. സ്തോത്രം. ഇന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ന് മീറ്റിംഗിന് ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുന്നോ, ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ സങ്കടം കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആത്മാവ് കരയുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. और जैसे ही मीटिंग में मैंने साइन इन किया, मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले की बात बता रहा हूँ, जैसे ही साइन इन करते मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया मानो एक बहुत बड़ा क्रंदन, एक बहुत बड़ा विलाप उठ रहा है, और मैं सोच रहा था कि आनंद से या क्यों है, पर एक विलाप जरूर उठ रहा है.
ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. और जब से मीटिंग चालू हुई तब से मेरे अंदर से वो विलाप उठ रहा है और मैं सोच रहा हूँ प्रभु क्यों हो रहा है. പെട്ടെന്ന് ഫിനിസി സംബ്ര പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫക്റ്റിക് ആക്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി. लेकिन जैसे प्रभु के दास ने बताया कि एक प्रोफेटिक एक्ट हम करने जा रहे हैं, मैं समझ गया कि प्रभु कुछ अद्भुत आज करने जा रहा है. ഞാനും പോയി മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. और मैं भी जाके तुरंत मिट्टी लेके आया. और विश्वास के साथ मैंने भी प्रार्थना किया. पवित्रात्मा ने जो बात मुझे याद दिलाई ഭാരതത്തിന്റെ ഉണർവിനെ നമ്മളെക്കാൾ അധികമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകർ कि भारत की जागृति के लिए हमसे कहीं अधिक बढ़कर विश्व राज्यों में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए जिनके अंदर चाहत है इस देश में जागृति प्रकट होने के लिए. अदिन उदाहरण आई देवदास और उसका एक उदाहरण है ये प्रभु के दास. हालेलुया അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഭാരതത്തിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അനേകർ നമ്മളെക്കാൾ അധികമായി ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं समझ गया कि हमसे कहीं अधिक जागरूक होकर आंसुओं के साथ भारत में आत्मा की एक आग प्रकट होने के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വലിയ പർപ്പസിന്റെ കീഴിൽ. और यदि इन दिनों में हम जीवित है तो समझिए एक बहुत बड़े उद्देश्य के अंदर प्रभु ने हमें रखा है. कर प्रकाशमान होने के लिए അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഉണർവ് നമ്മുടെ കയ്യിലാ. अंत की जागृति हमारे हाथ में है. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. हम अकेले नहीं है. സ്വർഗ്ഗം മുഴുവനും സ്വർഗ്ഗ പൂര അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അനേക ദേശത്തു നിന്ന് അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട്. और बहुत सारे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी हमारे साथ में है. यह हमें समझना है. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാൻ ഉഠോ പ്രകാശമാൻ ഹോ. ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.